ओके okay. आज वाईफाई का दिक्कत है, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा है तो मैं मोबाइल डाटा पे क्लास दे रहा हूँ। तो बीच में क्या होता है, अगर किसी का कॉल आता है तो आउट है। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कुछ लोगों ने, जिसने अगर क्लास कल अटेंड ना किया हो तो प्लीज़ आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिए, है ना। मैं एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन क्लास पक्का लूँगा। किसने, स्टॉप शेयरिंग करता हूँ। कल हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, मैंने आपको डे वन और डे टू होमवर्क दिया था। कुछ लोगों ने कल अटेंड नहीं किया था, उन्होंने वीडियो भी देख लिया, रिकॉर्डिंग भी देख लिया है। स्टिल मैं क्या करता हूँ, एक जस्ट पार्ट हम लोग पक्का रिवीजन लेंगे। ठीक है, रिवीजन लेने से क्या है, ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक कैसा है आपका, टोटली कैसा है, फॉर्मूले बेस्ड है। साइन क्या है, कॉस क्या है, टेन क्या है, किससे क्या रिलेशन है। तो कल हमने जो पढ़ा था मैं आपसे पूछता हूँ और आपको बताना है हमें कल क्या क्या सीखा था। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जाता हूँ, आप मेरे को चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री में हम कौन से टाइप का ट्रायंगल यूज करते हैं? जल्दी सब लोग फास्ट, स्टार्टिंग के 15 मिनट केवल रिवीजन क्लास है, सबका रिप्लाई आना चाहिए। कौन सी थ्योरम यूज करते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में? प्लीज टेल विच थ्योरम वी यूज इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल टू फाइंड परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। गुड, पाइथागोरस। ओके, वो छह नाम मेरे को लिख के दिखाओ, जो छह ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज होते हैं। व्हाट आर द सिक्स रेशियोज? मैंने पहले रेशियोज पूछा है, व्हाट आर द सिक्स रेशियोज? एक साथ लिखो, अलग अलग नहीं। गुड, साइन कॉस कॉसेक कॉट कॉट। गुड, सब लोग का रिप्लाई आना चाहिए फटाफट। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पी बी पी एच एच बी क्या है? व्हाट इज पी बी पी एच एच बी? सबका रिप्लाई आना चाहिए, दो चार का नहीं। यस, द पीवीपी इज पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोले। चलिए, साइन को हम पी बी एच कैसे लिख सकते हैं? व्हाट इज साइन? साइन किसका रेशो है? गुड, तुम लोगों को एकदम याद है। चलिए, टेन का रेशो बताओ, टेन को किस रेशो में लिखते हैं? टेन थीटा अगर हो किस रेशो में आएगा? गुड रोहित, फटाफट सब लोग ऐसे फटाफट रिप्लाई देना सीखो। ओके, कॉट को कैसे लिखेंगे? सी ओ टी कॉट, कॉट थीटा कैसे लिखेंगे? ये एच अपॉन भी गलत है, द करेक्ट आंसर इज बी अपॉन पी। चलिए, कॉस को कैसे लिखेंगे? कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा? गुड, बी वाई एच इज करेक्ट। सेक थीटा, व्हाट इज सेक थीटा? गुड, एच बाय बी, लास्ट कौन सा बचा? कॉसेक थीटा। एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। गुड,
साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ, अब आपको रेशियोज के फॉर्म में बताना है. यस, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक थीटा. गुड. टेन का क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल, गुड, टेन का होता है कॉट. कॉट का क्या होता है? कॉट का रेसिप्रोकल क्या होता है? गुड, टेन. कोस का उल्टा क्या होता है? कोस का रेसिप्रोकल, गुड. और हमने कल क्या पढ़ा था? ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था. हमने साइड पढ़े थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे, साइन कॉस टेन पढ़ा था, कोसेक सेक कोट पढ़ा था, ये सब पढ़ा था. ओके, अब कल जो पढ़ा था उसमें एक हल्के से वापिस आया, रिविजन लिख देता हूँ. आप लोगों ने लिखा था, एक बार रिविजन के लिए लिख देता हूँ. हमने कल क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पी बी पी एच एच बी, ये किसके इक्वल है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. फिर हमने छह रेशियोज पढ़े थे, साइन थीटा. अब ये हमने एक ट्रायंगल लिया था, ये समझो आपका ट्रायंगल है ए बी सी, ये आपका एंगल क्या था? थीटा. मतलब थीटा की बात करेंगे, ये क्या है हमारा एच, ये हमारा बनेगा परपेंडिकुलर, ये हमारा बनेगा बेस. ठीक है, एक्चुअली सर नेट का स्पीड कम है इसलिए हो सकता है साउंड में थोड़ा सा गड़बड़. ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या था हमारा? पी अपॉन एच, मैं थोड़ा जोर से बोलता हूँ, कोस थीटा बी अपॉन एच. जस्ट आपके रिवीजन के लिए लिख रहा हूँ, जिसने कल अटेंड नहीं किया हो, पी अपॉन बी. आप लोगों ने याद कर लिया, एकदम बहुत अच्छी बात है. कोसेक थीटा एच अपॉन पी, सेक थीटा एच अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी. फिर हमने कुछ रेशियोज और भी लिखे थे ऐसे कि साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोसेक थीटा. उसी तरह हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा. डाउट लेता हूँ इसके बाद. और इन दोनों का यूज करते हैं तो आपका क्या बन जाता है? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन. फिर कोस थीटा इक्वल टू वन अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोस थीटा. इन दोनों को यूज करेंगे तो क्या बनेगा? कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू वन. फिर हमने पढ़ा था टेन थीटा इक्वल टू वन अपॉन कोट थीटा. उसी तरह कोट थीटा इक्वल टू वन अपॉन साइन वन अपॉन टेन थीटा. और यहां से हमको मिलेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू वन. ये कल का एक छोटा छोटा रिवीजन पार्ट है, कल हमने मैक्सिमम ये पढ़ा था. अगर ये हमको समझ में आ गया तो हमको पूरा ट्रिग्नोमेट्री इजी जाएगा. ठीक है, अभी आपके डाउट्स है. क्वेश्चन नंबर सिक्स, डे टू, डे टू क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं. तो अभी आप लोग कल जो डे वन है, डे टू है, उसके आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो. जो डे टू और क्वेश्चन नंबर थ्री है, जो मैंने आपको काम बाद में करेंगे तो उसको हम करेंगे. उसके लिए आपको एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बताने की जरूरत है, वो कंसेप्ट बता दिया फिर आप लोग आराम से कर सकते हैं. मैं डे टू का स्क्रीन एक बार शेयर करता हूँ. अच्छा, डे टू का सब कुछ मैं दिखा रहा हूँ, गुड. एक एक करके डाउट लेता हूँ. डे वन का फोर और सिक्स, चलिए पहले डे वन पे आता हूँ. डे वन के फर्स्ट क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं है?
डे वन के कस्टमर 4 और 6, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कलर में लिया। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, हमको क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू 1/3, ठीक है, तो साइन ए हमने लिख लिया 1/3, इसका मतलब जो 1/3 का रेशियो है वो इस ए के रिस्पेक्ट में, हमने ट्रेंगल लिया था एबीसी, बी 90 डिग्री है, तो सामने क्या बन गया, हाइपोटेन्यूज, इस ए में हमने ई एंगल कर लिया कि हम ए के रिस्पेक्ट में हमको बात करना है, ठीक है, तो ए के सामने वाला क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट क्या बन गया, बेस, इसने कहा साइन ए इक्वल टू 1/3, तो साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, इसका मतलब पी इक्वल टू 1 और एच इक्वल टू 3, मैंने कहा था इसमें के भी आता है, के भी आ सकता है, बट वो बार बार कटता है इसलिए मैं उसको के नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस यूज करेंगे, तो पाइथागोरस होता है आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमने जब इसको सॉल्व किया था 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जब सॉल्व किया तो बी का वैल्यू कितना आया था 2√2, तो ये बन गया था 2√2। हमको क्या फाइंड आउट करना है, कोस ए, कोसेक ए, टेन ए, तो हमारा कोस ए क्या होता है, कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है 2√2/3, उसी तरह कोसेक ए होता है एच अपॉन पी, एच कितना है आपका 3, पी कितना है आपका 1, फिर हम निकालेंगे टेन ए, टेन क्या होता है पी अपॉन बी, मतलब 1/2√2, फिर क्या बच गया sec a, sec a cos का उल्टा होता है, मतलब h अपॉन b, मतलब 3/2√2, ठीक है। अभी हमको किसको मल्टीप्लाई करना है, cos एंड cosec, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और दोनों क्या करना है, प्लस करना है, तो प्लस करेंगे 2√2/3 प्लस 3/1 इंटू आएगा ए इंटू है प्लस 1/2√2 इंटू 3/2√2, ठीक है, ये देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बन गया 2√2 प्लस, इसको जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 2 4 और √2 × √2 2, तो यहाँ पर बनेगा आपका 8 या आपका 3, रेशनलाइज करोगे तो 8 16√2 + 3, क्लियर है, जिसको डाउट था क्वेश्चन नंबर 4। अभिषेक चौबे, क्लियर फोर्थ क्वेश्चन, गुड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ भी डाउट है किसी को, हाँ श्रुति का डाउट है बेटा, फर्स्ट वाले पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में, श्रुति का कोई पार्ट चलेगा, ओके फर्स्ट वाला पार्ट, इस टॉपिक को जितना इजी समझोगे बेस बन गया, ये चैप्टर बहुत इजी है, 11th-12th में ये बेस बनने का मौका नहीं मिलता, बेस 10th में बनता है 11th-12th का, ओके। एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल एट सी, तो सबसे पहले राइट एंगल बनाया सी, इसको ले लो ए, इसको ले लो बी, इसने कहा ए बी इक्वल टू 29, तो 29, इसने कहा था 90 डिग्री है, इसका मतलब एच हो गया, एंड बी सी इक्वल टू 21, ये आपका 21 हो गया, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कोस स्क्वायर बी एंड साइन स्क्वायर बी, तो हमको कोस स्क्वायर बी निकालना है एंड हमको साइन स्क्वायर बी निकालना है, इसका मतलब
बी एंगल के रिस्पेक्ट में निकालना है। अगर बी एंगल के रिस्पेक्ट निकालना है, ये मेरा क्या हो गया पी, ये मेरा क्या बन गया बेस। तो सेम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कितना है 29 का स्क्वायर इक्वल टू पी हमको निकालना है, बी कितना है प्लस 21 का स्क्वायर। वही टेक्निक यूज करेंगे जो मैंने आपको सिखाई है, सही मत करो। 29 स्क्वायर माइनस 21 स्क्वायर इक्वल टू क्या बन गया बी स्क्वायर। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 29 प्लस 21 29 माइनस 21 इक्वल टू पी स्क्वायर। हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिखा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये क्या बन गया आपका 50 इंटू, ये आपका क्या बनेगा 8। ये क्या आपका बन गया ई स्क्वायर। अभी देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 50 का 2 × 5 × 5 × 2 × 2 × 2 जिसको स्क्वायर रूट नहीं निकालना उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब पेयरिंग देखो, एक 5 का पेयर, एक 2 का पेयर और अगेन एक 2 का पेयर, तो P इक्वल टू हो गया 2 × 2 × 5 20। तो P का वैल्यू हमारे कितना आ गया 20। कई बार हमको स्क्वायरिंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन से भी आप स्क्वायर निकालना सीख सकते हो, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप बना सकते हो। तो बी का वैल्यू कितना आ गया हमारा, पी का वैल्यू 20। अब इसको हमको सॉल्व करना है, कोस स्क्वायर बी और साइन स्क्वायर बी। मैंने आपको बताया था जो कोस स्क्वायर बी होता है वो क्या होता है, कोस बी का होल स्क्वायर। अब कॉस बी क्या होता है, बी अपॉन एच का स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी है 21/29 का स्क्वायर। इसी तरह साइन स्क्वायर भी, साइन स्क्वायर क्या होता है, साइन बी का होल स्क्वायर, पी अपॉन एच का स्क्वायर। पी कितना है 20/29 का स्क्वायर। इसको आपको दोनों क्या करना है, एक बार प्लस करना है, एक बार आपको माइनस करना है। चलेगा स्टूड का यहाँ तक, या आगे सॉल्व करूं? आगे आप लोग प्लस तो कर सकते हो, माइनस आप लोग कर सकते हो। चलिए गुड। और कौन सा डाउट है फर्स्ट में, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया, सेवन का सिक्स क्वेश्चन ये भी डाउट। आप लोग लगता है रिकॉर्डिंग नहीं देखी, जो डाउट पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग पक्का देखो मुझे। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। हमको दिया है sec a इक्वल टू 5/4। हमने ट्रायंगल बनाया जिसमें हमने इसको a ले लिया, b को 90 डिग्री ले लिया और c पॉइंट ले लिया। b के सामने क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हमारा sec a क्या होता है, ये होता है आपका h अपॉन b cos का उल्टा, जो है 5/4। तो h कितना हो गया 5, बी कितना हो गया हमारा 4। हमको क्या निकालना है पी। तो जब पाइथागोरस लगा के सॉल्व करोगे तो पी का वैल्यू कितना आता है 3। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मैंने आपको कहा था, आप लोग याद करो, ठीक है। अब हमको क्या क्या चाहिए, टेन चाहिए, साइन चाहिए और सेक तो आपके पास है। तो हमारा टेन ए पी अपॉन बी, पी का वैल्यू 3, बी का वैल्यू 4। और आपको क्या चाहिए साइन, साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, पी कितना है 3, एच कितना है 5। अब हम एल एच एस लेकर सॉल्व करेंगे। एल एच एस क्या है, ये आपका है टेन ए
अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर ए, वैल्यू पुट करेंगे टेन का, तो ऊपर आएगा थ्री अपॉन फोर, नीचे आएगा वन प्लस थ्री अपॉन फोर का होल स्क्वायर, थ्री अपॉन फोर, नीचे वन प्लस नाइन अपॉन सिक्सटीन, नीचे एलसीएम लेंगे, ये होगा सिक्सटीन, ये सिक्सटीन प्लस नाइन, फिर रीअरेंज करेंगे, थ्री अपॉन फोर अपॉन ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटीन, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है, तो इसको रेसिप्रोकल बना सकते हैं, इंटू सिक्सटीन अपॉन ट्वेंटी फाइव, कैंसिल करेंगे फोर, कितना आ गया ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फाइव, ये हमारे एल एच एस का वैल्यू आ गया। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, आर एच एस निकालेंगे, आर एच एस में क्या क्या दिया आपको, साइन ए अपॉन सेक ए, साइन कितना हो गया थ्री अपॉन फाइव, सेक आपका कितना है फाइव अपॉन फोर, ठीक है, तो रेसिप्रोकल करके कैसे लिखेंगे, थ्री अपॉन फाइव इंटू फोर अपॉन फाइव, कितना आ गया ट्वेल्व अपॉन फाइव, ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी फाइव, तो आपका एल एच एस भी उतना ही है, दोनों इक्वल हो गया आपके, हेंस प्रूव्ड। क्लियर ये वाला पार्ट, अभी सेवंथ क्वेश्चन, तो बहुत ही ये क्वेश्चन तो मैंने रिकॉर्डिंग में भी आपको मिल जाते हैं, अगर आपको डाउट था आपको रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए था। आपको क्या दिया है, टेन थीटा प्लस वन अपॉन थीटा इक्वल टू टू, एंड आपको ये चीज फाइंड आउट करनी है, तो इसको देख के मुझे क्या समझता है, इसको देख के क्या समझना है भाई, यहाँ पर देखो स्क्वायर है, यहाँ पर आपको क्या है स्क्वायर है, ठीक है, या तो आप क्या करो यहां से टेन का वैल्यू निकालो, एक तरीका और क्या होता है, टफ तरीका बताता हूँ, ठीक है, इसको लिखते हैं टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा इक्वल टू टू, इजी तरीका नहीं आता ना, इसे टफ तरीका, इसको नीचे एलसीएम लेंगे तो टेन थीटा, ये क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू टू, इसको यहाँ ले जाओ तो बन गया टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू टू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक, तो लेट एक्स इक्वल टू टेन थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स एक्स माइनस वन माइनस वन, एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना आ गया वन, और एक्स हमारा क्या है टेन थीटा। ये तरीका आपको मैंने कल नहीं बताया था, मैं इसमें कई सारे तरीके होते हैं निकालने के, कल मैंने आपको ईजी बताया था, हाँ वो ईजी था, ईजी नहीं समझे आपको टफ बताया, है ना, इजी नहीं समझ आया तो टफ बताना पड़ेगा ना, फिर तुमको समझ में आ गया, हाँ भाई टीचर पता है कई चीज बता सकता है। चलो अब टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई वन, अब डायरेक्ट पुट कर सकते हैं टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, वन स्क्वायर प्लस वन अपॉन वन का स्क्वायर, अब भी आंसर कितना आएगा टू, है ना इजी एकदम। मैथ्स तो सब्जेक्ट ही ऐसा, कितने तरीके पूछ रहे हो, अब कल वाला तरीका बताता हूँ, कल का तरीका क्या था, हमको ये गिवन है टेन थीटा प्लस वन अपॉन टेन थीटा इक्वल टू टू, हम क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो इधर स्क्वायरिंग किया और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दिया, तो क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा
बी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी। तो देखो ये टेन से ये टेन कट गया तो क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू इक्वल टू, ये टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा फोर, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू फोर माइनस टू इक्वल टू टू। ये बहुत इजी है ट्रिग्नोमेट्री में, याद रखना अगर आपका आंसर चार से पांच लाइन में आ जाए तो बोला आप करेक्ट कर रहे हो, अभी तो आपने आइडेंटिटी शुरू नहीं किया, जब आइडेंटिटीज करेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा। ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था, दो लाइन में इसका आंसर आता है। चलो अब डे वन एकदम सबको क्लियर, अब तो डे वन में कोई डाउट नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। चलिए अब डे टू पे आते हैं, एक बार वापस फर्स्ट क्वेश्चन में किसको डाउट है, क्योंकि आप लोगों ने डाउट भेजे तो बहुत ऊपर चले गए। फर्स्ट क्वेश्चन में किसको डाउट है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल है, एनीवन हैज डाउट इन फर्स्ट क्वेश्चन, डे टू का फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किसी को, सेकंड क्वेश्चन में डाउट, कह रहे हैं यस कुछ कह रहे नो, जिसको डाउट है केवल वही लिखे कि डाउट क्वेश्चन नंबर टू है तो क्वेश्चन नंबर टू लिख दो जिसको डाउट है। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू में दिया है इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, हमने ट्रायंगल बनाया जिसमें क्यू राइट एंगल है, ये हो गया क्यू, कहीं पर पी ले लो एक जगह आर ले लो, पी आप कहीं भी ले सकते हो आर भी आप कहीं भी ले सकते हो, पर आपका क्यू फिक्स होना चाहिए, क्यू हो गया या आप कहां पर कन्फ्यूज हो गया। अब इसमें बोला पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इक्वल टू 5, आपको ये दिया है सेंटीमीटर, आपको ये नहीं दिया है और आपको ये भी नहीं दिया है, बट आपको एक रिलेशन दिया ही है। ठीक है, हमारा ये क्या होता है पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। ठीक है, अभी आपको क्या क्या दिया है, पी क्यू इक्वल टू 5 दिया है और दूसरा क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। हम क्या करेंगे यहाँ से आर क्यू ले लेते हैं, यहाँ पर भी क्यू आर है, आर क्यू मतलब बराबर है, तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, हमने इसको यहाँ ले गए। ठीक है, अब इस पी को यहाँ पुट कर दो और इस क्यू आर को यहाँ पर पुट कर दो। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एक जैसे हैं, है ना, उसमें देखो यहाँ पर केवल क्या है ये दिया आपको ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, और देखो मेरा यहाँ पर वही आ गया क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस पी आर, ये दोनों चीज सेम है, हम पी आर निकालेंगे, पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू होगा 5 का स्क्वायर प्लस 25 माइनस पी आर का स्क्वायर, पी आर स्क्वायर 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 50 पी आर ए स्क्वायर। सर क्यू आर साइड में जाएगा तो नेगेटिव नहीं होगा क्या, तो ये नेगेटिव, ये पी आर लिया ना मैंने, मैंने पी आर को यहाँ शिफ्ट किया है तो यहाँ पर माइनस हो गया ना, क्यू आर तो उसी जगह पर है, क्यू आर वहीं पर है, मैंने पी आर को शिफ्ट किया, ध्यान से देखो साइन प्लस का माइनस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, अब देखो पी आर से पी आर स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब इसको यहाँ ले जाते हैं तो 50 पी आर इक्वल टू ये कितना हो गया 650, कट करेंगे जीरो से जीरो कैंसिल, 5 से इसको कट करेंगे तो 13, तो पी आर का वैल्यू आ गया 13। इस पेयर के वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस 13 कितना आ गया आपका 12, तो क्यू आर हमारा हो गया 12 और ये हमारा आ गया 13। कोई डाउट कोई शक, क्लियर पार्ट जो समझा,
ये क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन एकदम सेम है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, आपको साइन पी निकालना है, आपको कॉस पी निकालना है और टेन पी निकालना है। आपको बी अपॉन एच, बी अपॉन सब पता है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। सर के वंस मोर फ्रॉम द बिगिनिंग, तेरी पिटाई होने वाली अभिषेक, होनी चाहिए पिटाई। हाँ निकल सकता है रिया, अगर आप इसमें क्या करोगे, अगर मैं क्यू आर को यहाँ ले लूँ, इसको यहाँ ले लूँ, दोनों करें आपका हाइपोटेन्यूज बड़ा आएगा। देखो दो साइड है ना, ये दोनों साइड छोटी है और एच हमेशा इन दोनों से बड़ा आएगा। तो एक अगर 12 आएगा तो दूसरा आपका 13 आएगा। अभिषेक वापिस देख, ये आपका ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में एच है, ये आपका बन गया एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको P दिया हुआ है 5 और आपको B अलग से नहीं दिया, आपको उसने क्या बोला B प्लस एच इक्वल टू 25, उसने आपको बेस हाइपोटेन्यूज बता दिया 25 है। तो ये आपका ये है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। हमने इसमें सिर्फ इसको यहाँ रखा, इस पी आर को यहाँ शिफ्ट कर दिया तो माइनस हो गया। हमने इस इक्वेशन को पाइथागोरस में पुट किया, इसको सॉल्व किया और हमारा पी आर का वैल्यू निकला, हमारा क्यू आर का वैल्यू निकला। इतना इसमें करना है। ओके चलेंगे, किसी को फोर्थ क्वेश्चन में डाउट? शुभम मैं थर्ड क्वेश्चन बताऊंगा, तुमको ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट बताना जरूरी है, कल ट्राई करता हूँ उसको बताने का, उसमें थोड़ा क्या फ्रेश माइंड चाहिए, आज जैसे डाउट भी आज काफी है। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, उसमें कंसेप्ट यूज होता है जो ट्रायंगल्स चैप्टर में पढ़ाया जाता है, वो कंसेप्ट आपने पहले कभी नहीं पढ़ा नहीं है। ठीक है, इन ए राइट एंगल ए बी सी इसने क्या कहा, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी पर ये निकाह कौन सा 90 डिग्री पे है, उसने क्या कहा है, उसने कहा ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, तो 90 डिग्री कौन सा होगा बताइए। ट्रायंगल एबीसी है, ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं, तो 90 डिग्री कौन सा एंगल होगा, सी वन। गुड, तो मैं इसको ले लेता हूँ सी, ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी। क्लियर है बात? अभी देखिए उसने कहा ये कैसा है, सच दैट सी ए इक्वल टू cos मतलब cos a इक्वल टू cos b, उसने दिया आपको cos a इक्वल टू cos b, ये आपको गिवन है। उसने कहा प्रूफ करो कि एंगल a इक्वल टू एंगल b, उसने कहा प्रूफ करो एंगल a एंगल b के इक्वल है। अभी आपको ये देखो ये गिवन है cos a इक्वल टू cos b, अब हम पहले cos a निकालेंगे। cos a क्या होता है, b अपॉन एच। अब देखो ध्यान दो, अगर मैंने ए के रिस्पेक्ट में देखा, अगर मैंने ए के रिस्पेक्ट में देखा तो मेरा बेस क्या होगा ए सी, क्योंकि ये क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या बनेगा बेस, ये मेरा क्या बनेगा एच। ठीक है, अगर मैं ए के रिस्पेक्ट में देखता हूँ तो सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो तीसरा कौन सा बचा ये, वो क्या बन जाएगा बेस। तो cos इक्वल टू क्या हो गया AC अपॉन AB। ओके सेकंड पार्ट, अब cos B, cos B सेम क्या होता है B अपॉन H। अब जब मैं इस D को B के रिस्पेक्ट में लेता हूँ तो इसके सामने वाला क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या बन जाएगा बेस बन जाएगा।
तो कॉस बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। अब इसने क्या कहा, कॉस इक्वल टू कॉस बी, तो इसका मतलब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन कैसी हैं, इक्वल होंगी। बी इक्वल टू, हाँ बी के सॉरी बी सी, ओके यस यस, इक्वेशन वन इक्वल टू इक्वेशन टू, ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी, ए बी से ए बी कैंसिल, तो आपका क्या बन गया ए सी इक्वल टू बी सी। अभी देखो एक ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो तो, अब देखो इसमें ए सी साइड किसके इक्वल है, बी सी, तो कौन से टाइप का ट्रायंगल बन गया, आइसोसेलस ट्रायंगल। आइसोसेलस ट्रायंगल मतलब अगर साइड इक्वल है तो सामने वाले एंगल भी इक्वल होंगे, इसका मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट कोई शक, ओके इसमें डाउट किसी को भी, अभी क्लियर सबको क्वेश्चन नंबर फोर, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना बहुत जरूरी है, क्या हम कई बार डाउट पूछते हैं बट डाउट का मीनिंग नहीं होता, इन चार लाइनों में मुझे दिखाई नहीं कि कोई डाउट हो सकता। क्वेश्चन नंबर फाइव है, किसी को डाउट, एनीवन हैज डाउट इन क्वेश्चन नंबर फाइव, समय को डाउट है, अमृत को डाउट है, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन को करने से मैं आपको उसको दो तरीके से सिखाऊंगा, ठीक है। अभी तक हमने पढ़े थे cos, tan सब, ठीक है। अभी आपको एक रिलेशन और बताता हूं, जो tan होता है tan थीटा, ये sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है। अब बताता हूं कैसे, हम सबको मालूम है व्हाट इज sin थीटा, P अपॉन एच, एक नया कंसेप्ट और सिखा रहा हूँ, ठीक है, डिविजन भी हो जाएगा और नया कंसेप्ट भी याद हो जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू क्या था, P अपॉन एच, एंड कॉस थीटा इक्वल टू डी अपॉन एच, ठीक है। अगर मैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखता हूँ, इसका मतलब P अपॉन एच अपॉन डी अपॉन एच, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P अपॉन एच इन टू एच अपॉन बी, एच से एच कैंसिल, क्या बच गया P अपॉन बी, ये किसके इक्वल होता है tan थीटा। इसलिए हम कई बार ये रिलेशन यूज करते हैं कि जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, और उसी तरह cos थीटा वो क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा भी होता है। इसमें कोई डाउट है कोई शक है तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर फाइव समझाते हैं। ये याद रखते आपको, समय भी sin cos सब याद रखे ना, जैसे sin का cosec से रिलेशन है, cos का sec से रिलेशन है, tan का cot से रिलेशन है, उसी तरह sin और cos का tan से रिलेशन होता है। ये सब जो छह रेशियोज है ये आपस में सब कनेक्टेड है, क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल के पार्ट है, ये उन्हीं तीनों साइडों के रेशियोज है। इसलिए अगर आपको एक रेशियो पता होता है आप देखो बाकी सब रेशियोज निकाल सकते, तो आपको याद रखना है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा और cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को मैं आपको दो तरीकों से सिखाता हूँ, ये देखिए आपको यहाँ गिवन है 16 cot a इक्वल टू 12, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 12 upon 16, 16 इसके नीचे आ गया, देखो तो क्या बन गया cot a इक्वल टू 12 upon 16, और cot a क्या होता है b upon t, है ना, इसको सिंपल करेंगे तो क्या बन गया 3/4,
क्योंकि ये रेशो होता है, 12/16 भी का एक रेशो है, इसको 4 से कट किया तो क्या बन गया 3/4, इसका मतलब मेरा एक ट्रायंगल होगा, कोट ए है, इसका मतलब ये एंगल ए हो गया, ये मेरा सी हो गया, ये मेरा बी हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, कोट ए क्या होता है बी अपॉन पी, बी कितना हो गया अपना 3, तो ये अगर ए है तो ये मेरा बेस बन गया, ये मेरा क्या होता है 3, सामने वाला क्या बनेगा परपेंडिकुलर कितना हो गया 4, तो मेरा एच कितना आ गया 5, 3, 4, 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट। ओके, अब इसको हमको क्या निकालना है साइन ए, तो यहाँ पर साइन ए यहाँ पर क्या है कॉस है, तो साइन ए क्या होता है पी अपॉन एच, तो 4/5 ऐसी कॉस ए बी अपॉन एच 3/5। अब इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, है ना, तो ये बन गया आपका 4/5 प्लस 3/5, नीचे भी सेम 4/5 माइनस 3/5, ऊपर एलसीएम 5 आएगा, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर आपका 1 आएगा, 5 से 5 कैंसिल, आपका आंसर आएगा 7। ये बड़ा मेथड है जो नॉर्मली लोग करते हैं, इसका एक सिंपल तरीका, ये सबको समझ में आ गया। अब इसका एकदम सिंपल तरीका समझाता हूँ जो आ गया, क्योंकि अब जो तरीका बताऊंगा ये आप लोग बाद में बहुत यूज करने वाले हो, ये पार्ट नोट भी कर लिया आप लोगों ने। अभी देखिए, मुझे दिया था फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस कंसेप्ट को ध्यान से समझना कि मैंने क्या किया, ठीक है, मुझे क्या गिवन है cot a इक्वल टू 12/16, ठीक है, और cot किसके इक्वल होता है cos a अपॉन sin a, ये अब मैंने तुमको भी बताया जस्ट, है ना, cot theta इक्वल टू क्या होता है cos theta अपॉन sin theta। अब आपके सामने ये इक्वेशन गिवन है, अब मुझे बताओ क्या आप इसको cot की फॉर्म में चेंज कर सकते हो, अगर आपने ये बता दिया तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फिर समझ में आ जाएगा, ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि जो साइन और कॉस है वो कॉट में चेंज हो जाए, देखे तुम में कौन इंटेलिजेंट है बताइए, व्हाट शुड आई डू, इसको एनालाइज करो और बताओ मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे इस इक्वेशन में कोट लाना है, और मुझे क्या करना चाहिए, मैं आप सबको पूछ रहा हूं, मैं क्या डिवाइड करूं, क्या मल्टीप्लाई करूं, क्या माइनस करूं, क्या करूं, वो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आप देख पा रहे हो उस क्वेश्चन में कि मुझे इस यहां पर साइन दिया है कॉस भी दिया है, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कोट ए होता है, तो अगर मुझे इसको अगर कोट में चेंज करना है तो कैसे चेंज कर सकते हो, 10 a / -10, पर वो 10 कैसे आएगा, यहां पर तो 10 नहीं है ना, यहां पर तो साइन और कॉस है, सोचो सोचो, No idea? I will give you idea. Surrender करो सब लोग, रीअरेंज कर देंगे reciprocal of sin and cot, ना ये भी नहीं है, 1/cosec ये भी नहीं है, और कोई, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो क्या है sin a plus cos a minus, ये भी नहीं, ट्राई करने का टाइम निकल रहा है अभिषेक, ये तो एकदम सामने सामने दिखना चाहिए कि वहां पर देखो कोस और कौन साइन है वो कोट में चेंज हो रहा है, यहाँ पर साइन और कोस दोनों है, तो मैं क्या करूं, तुमको क्या करना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, ठीक है, अब देखो उससे क्या होगा, साइन ए प्लस कॉस ए डिवाइड बाय
साइन ए, क्योंकि इसको दोनों जगह करना है। जैसे अगर हम कुछ प्लस करते हैं और कुछ माइनस करते हैं तो नलीफाई हो जाता है, उसी तरह न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भी अगर आप सेम चीज डिवाइड कर दो या मल्टीप्लाई कर दो वो नलीफाई हो जाता है। मैंने ऊपर वाले न्यूमरेटर को, ध्यान दो सब लोग, ऊपर वाले न्यूमरेटर को साइन ए से डिवाइड किया और नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी मैंने साइन से डिवाइड किया, ये बीच में माइनस, ये जो है माइनस। ठीक है, अभी देखो क्या बना, साइन ए अपॉन साइन ए, ऊपर वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, नीचे सेम साइन ए प्लस साइन ए, माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, क्योंकि कन्वर्जन आगे वाले क्वेश्चन पे आने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये कटेगा वन बनेगा, ये कटेगा तो वन बनेगा, और ये क्या बन गया, कॉस ए अपॉन साइन ए, वो किसके इक्वल होता है, कोट ए के इक्वल होता है। तो आपकी जो इक्वेशन है वो कैसी बन जाएगी, वन प्लस कोट ए एंड वन माइनस कोट ए। कोई डाउट कोई शक, ये कन्वर्जन आप लोग को आना चाहिए। यहाँ देखो साइन दिख रहा है, कॉस भी दिख रहा है, कोट में चेंज करना है। तुमने क्या किया, ऊपर वाले न्यूमरेटर को और नीचे वाले डिनोमिनेटर को हमने क्या किया, साइन ए से डिवाइड किया, तो क्या बन गया, वन प्लस कोट ए एंड वन माइनस कोट ए। अभी देखो आपको कोट ए का तो वैल्यू दिया है 12/16, वो क्या बन जाता 3/4, इसको आप आराम से वैल्यू पुट कर सकते हो, 1 + 3/4 एंड 1 - 3/4, नीचे आएगा 4, ऊपर आएगा 7, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1, 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ गया 7। Why did we divide it by sin a? ये हमने इसको sin a से इसलिए डिवाइड किया ताकि हम उसको cot में चेंज कर सके, क्योंकि जब cos को sin से डिवाइड किया जाता है तब वो क्या बन जाता है, वो cot बन जाता है। तो यहाँ पर cos था, इस cos को मैंने sin से डिवाइड किया तब ये क्या बन गया, फर्स्ट ज्यादा सिंपल अगर सर। हाँ फर्स्ट वाला सिंपल है, बट जो आगे हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे उसमें अगर ये यूज नहीं करेंगे हमारी कई चीजें कॉम्प्लेक्स होंगी। तो मैंने आपको भी समझाना स्टार्ट किया आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपको हर रेशो को दूसरे रेशो में कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो भी आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, जब आइडेंटिटी स्टार्ट होंगे। अभी हम केवल रेशोज पढ़ रहे हैं, सो वी विल ऑलवेज डिवाइड बाय साइन, हम हर बार साइन से नहीं डिवाइड करते, इक्वेशन देख के डिसीजन लिया जाता है। मैथ्स रटने वाली चीज नहीं है, मैथ्स समझने वाली चीज है। मैंने क्या बताया था, हमको साइन और कॉस दिया है, किस में चेंज करना है, कोट में चेंज करना है। तो कोट में क्या होता है, साइन नीचे होता है, नीचे मतलब डिवाइड होता है और डिवाइड साइन से होता है। अगर वही चीज अगर मैं आपसे पूछूं, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया आपको, टेन ए, और यहाँ पर आपको क्या दिया है, साइन और कॉस, अब मुझे इसको टेन बनाना है, अब बताओ मैं क्या करूँगा, बताइए। मुझे 10 दिया है और मुझे निकालना है साइन ए और कॉस ए, तो क्या मैं उसको 10 ए में चेंज कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं किससे डिवाइड करूंगा इसको, बताइए जल्दी सोच के, साइन ए होता है मतलब 10 ए होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, एकदम सही बात। अब हम उसको डिवाइड करेंगे कॉस से डिवाइड करेंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन देख के आंसर देख के हमको स्टार्ट करना होता है। एग्री सब लोग, शिफाली क्लियर आपको, हर बार साइन से डिवाइड नहीं करना, कंडीशन देख के क्वेश्चन देख के हम एनालाइज करते हैं। इलेक्ट्रोग्नोमेट्री जो चैप्टर है 11th-12th में साइंस में आता है, ये इंजीनियरिंग में भी आता है, कि ये समझ के करने वाला टॉपिक है। चलिए अभी हम क्या करेंगे, इस पोर्शन को हमारे 10 ए क्या बन जाएगा, अभी 10 = 4/5, इसको हमने चेंज किया, यहाँ पर क्या दिया 5
साइन ए माइनस थ्री कॉस ए, हम इसको डिवाइड करेंगे कॉस ए से, अपॉन फाइव साइन ए प्लस टू कॉस ए, इसको डिवाइड करेंगे कॉस ए, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉस है, मुझे किस में चेंज करना है, टेन में चेंज करना है, इसलिए मैंने सर मेरी स्क्रीन को बीच में ब्लैक हो गया, अगर ब्लॉक हो गया तो क्या करो, रिजॉइन कर लो, एग्जिट करो मतलब एंड करो और वापस आ जाओ, ठीक है, फिर स्क्रीन वापस आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो हमने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या किया हमने, कॉस से डिवाइड किया, तो देखो ये क्या बन जाएगा, फाइव इंटू साइन अपॉन कॉस ए, तो क्या बनेगा फाइव टेन ए, फिर माइनस का साइन है देखो माइनस, अब थ्री कॉस ए अपॉन कॉस ए, तो कॉस से कॉट कट गया, थ्री बच गया, ओके। अब ये देखो इससे क्या बन गया, फाइव टेन ए प्लस टू, ये थ्री और टू क्यों बचे, क्योंकि इस कॉस से ये कॉस कटेगा, इस कॉस से ये कॉस कटेगा, एनालाइज हम दिमाग लगा करेंगे, दिमाग बढ़ाने के लिए दूध खाओ, मक्खन खाओ, घी खाओ, एक्सरसाइज करो और फिर प्रैक्टिस करो और रेगुलर क्लास अटेंड करो। तो 10 इक्वल टू कितना दिया आपको, 4 अपॉन 5, ये वैल्यू हम यहाँ पर आराम से पुट कर सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। अभी मैंने कहा ट्रिग्नोमेट्री ट्राई करनी ही पड़ती है, ये देख के नहीं समझ में आता, तो ये जब पेन पेंसिल उठा के सॉल्व करोगे ये बहुत ईजी है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 7 भी है, 6 बार की सॉल्व करना कर लोगे। अब फिर से आपके इंटेलिजेंस की परीक्षा लेता हूँ, देखते तुम में से कौन समझदार है। अब आपको 10 बी दिया है, वो आपको होता है साइन बी अपॉन कॉस बी, और आपको यहां पर दिया है 2 साइन बी कॉस बी, और नीचे आपको दिया है कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। अब जो इक्वेशन दी है, मुझे क्या करना है, साइन और कॉस को मेरे को 10 में चेंज करना है, तो बताइए मैं किससे डिवाइड करूंगा। सर हम साइन और कॉस की वैल्यू डाल के भी सॉल्व, हाँ आप डाल के सॉल्व कर सकते हो, सिक्स क्वेश्चन में आप साइन और कॉस की वैल्यू डाल के सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, आंसर उससे भी आएगा। पर जब हम ट्रिग्नोमेट्री आगे बढ़ेंगे वहां पर एक कन्वर्जेंस आपको करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाद के क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। शेफाली ने 7th क्वेश्चन में कहा डिवाइड बाय कॉस बीटा, गलत, पीयूष ने भी गलत, थोड़ा ध्यान दिमाग लगाओ सोचो, अगर इतना सिंपल होता आपको थोड़ी बोलता मैं, अचीवर्स है, अचीवर्स को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा सोचो कौन एकदम इंटेलिजेंट तुम से। तो ये तो एग्जाम में आपको ही करना पड़ेगा, ये सही पकड़ा रही वन एकदम एकदम करेक्ट, वी विल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर बी, कॉस बी में और कॉस स्क्वायर बी में बहुत अंतर है। टू कॉस बी मतलब है टू इंटू ए, किसी चीज को ट्वाइस कर देना, और ए स्क्वायर का मतलब है उसको स्क्वायर कर देना, ठीक है। तो रिवन एकदम सही पकड़ा, हम उसको कॉस स्क्वायर बी से डिवाइड करेंगे, गुड। अब बताता हूँ आप लोगों कैसे, ये देखिए अगर मैं इसको केवल मैं कॉस बी से डिवाइड करता, एज्यूम करो, ठीक है, तो क्या बन जाता, देखो टू साइन बी कॉस बी अपॉन कॉस बी, ठीक है, हमारी आज पटेल चिंता मत करो, ठीक है। अभी देखो टू साइन बी कॉस बी और नीचे कॉस बी, अगर आप केवल कॉस बी से डिवाइड करोगे
कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर क्या बचा केवल टू साइन बी। क्या ये टेन में कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ। ये कब हो सकता था? जब यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी होता, एक कॉस से कॉस कट जाता, तो यहाँ पर नीचे क्या बच जाता? कॉस बी, तो ऊपर वाला क्या बन गया? टू टेन बी। ये लॉजिक समझ में आया सबको? न्यूमरेटर क्लियर हुआ अभी सबको? कि हम उसको केवल कॉस बी से डिवाइड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम केवल कॉस से डिवाइड करेंगे वो केवल टू साइन बी बच जाएगा, तो मुझे एक एक्स्ट्रा कॉस बी और चाहिए, इसलिए आई विल डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर बी। क्योंकि देखो नीचे भी क्या है, ये कॉस स्क्वायर बी है और ये भी क्या है, साइन स्क्वायर बी है। चलिए हम लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर बी, तो टू साइन बी कॉस बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, नीचे भी सेम कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी। कॉस से कॉस कैंसिल, ऊपर क्या बन गया? टू टेन बी अपॉन, नीचे क्या बनेगा? वन माइनस टेन स्क्वायर बी। अब वैल्यू आप आराम से पुट कर सकते हो, अपॉन थर्टीन और वन माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर अपॉन थर्टीन का स्क्वायर। चलो वैल्यू निकाल के बताओ मेरे को कितना आएगा। सर साइन स्क्वायर भी होना चाहिए ना बेटा, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में, ये देखो ना साइन स्क्वायर भी अपॉन कॉस स्क्वायर भी, ये क्या बनेगा? टेन स्क्वायर भी। सबको क्लियर एकदम? 3 1 2 1 25। अभी कोई डाउट डे वन में डे टू में? All clear? चलिए बस सब लोग अटेंडेंस दे दो फटाफट, 15 मिनट बाकी। मैं आपको आज का कंसेप्ट समझा देता हूँ। जल्दी फास्ट सबका अटेंडेंस। अब हम आज का टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, 1.25 घंटे क्लास केवल कल के डाउट के लिए, पर अच्छा आप लोगों को सब डाउट क्लियर हो गए, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री में, उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस, ठीक है। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा और टेन थीटा। अब इसमें कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, जैसे वो एक ट्रायंगल है, ठीक है, जैसे आपका ट्रायंगल है, हम इस थीटा की जब बात करते हैं तो थीटा के वैल्यू, अगर ये एक्यूट एंगल है
तो ये जीरो से स्टार्ट होके लगभग 90 तक जाता है। तो उसके बीच में कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, तो उन एंगल्स में हम लोग जो थीटा की वैल्यू होती है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, हम इन पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज ली जाती है और उसको यूज करके कुछ सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये टेबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, साइन थीटा, ये आपको याद होना चाहिए, बट आपको पूरा याद करोगे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, तो उसको याद करने का तरीका बताऊंगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर साइन थीटा है, अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी लिए है, 0, इसका मतलब साइन, अब थीटा के लिए आएगा 0 डिग्री, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0। ऐसी साइन 30, उसका वैल्यू कितना होगा, 1/2। साइन 45, 1/√2। ऐसी साइन 60, 3/2। ऐसी कॉस 90, 1। ठीक है, अब ये पूरी टेबल लगभग 36 नंबर्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। पर देखो कंफ्यूजन क्या है, यार यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी, चार बार जीरो है, अब जीरो कहाँ कहाँ पर भूल जाएंगे। ऐसी वन यहाँ पर भी है, यहाँ भी वन हो गया, यहाँ भी वन हो गया, यहाँ भी वन है, यहाँ भी वन है, यहाँ 6 जगह वन है, भूल जाएंगे ना कहाँ कहाँ पर कौन सा होगा। बिल्कुल सही बात है, ये 1/√3, यहाँ भी 1/√3, यहाँ पर केवल √2, यहाँ भी √2 है, यहाँ √3 है तो यहाँ पर 1/√3 है, और देखो यहाँ √3 था तो यहाँ भी √3 है, और यहाँ 1/√3 है, यहाँ भी 1/√3 है, एकदम झमेला। ये टेबल आपको याद करनी जरूरी है। तो कैसे याद की जाती है, आज की क्लास में उसको बताया जाएगा। तैयार आप लोग सीखने के लिए, तो हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द स्टैंडर्ड एंगल्स। सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी जब ध्यान से समझोगे। अब इसको देखना मेरी नजर से, इसको मैं आपको कैसे बताता हूँ। आपको इसमें केवल अगर साइन का टेबल याद है, केवल साइन का, और वो भी बीच की 3 वैल्यू याद करनी है, सिर्फ 3। पहली वाली क्या होगी, 0। दूसरी वाली क्या हो जाएगी, लास्ट वाली कौन सी होगी, 1। ठीक है, तो साइन थीटा मतलब 0 पे कितना होता है, 0, और 90 पे कितना होता है, 1। पहले आपको मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ, फिर निकालते कैसे हैं वो भी सिखाऊंगा, या भूल भी जाओ मान लो तो आप निकाल भी सकते हो। ठीक है, तो देखो आपको 3 वैल्यू याद करनी, कौन कौन सी, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 √3/2। तो आप ये कह सकते हो जो साइन की वैल्यू है वो 0 से शुरू होती है और ये 1 तक जाती है। जैसे पहली वैल्यू क्या है, 0, दूसरी वैल्यू क्या है, हाफ, हाफ मतलब कितना है, 0.5, थर्ड वैल्यू क्या है, 1/√2, 1/1.41, ये नॉर्मली आपका आपका 0.67 के आसपास। अगली वैल्यू कौन सी है, √3/2, 1.732, डिवाइड बाय 2 करोगे ये भी समथिंग 0.75 के आसपास पहुंच जाता है, और लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 1। तो आपको मिलेगा 0, 0.5, 0.65, 0.7 के आसपास और 1। तो आप ये समझ जाओ साइन थीटा की जो वैल्यू होती है 0 से शुरू होती है, 1 पे खत्म होती है, और बीच में 3 वैल्यू आती है। तो 3 वैल्यू कौन कौन सी है, 1/2, 1/√2 और √3/2। अगर आपने 3 वैल्यू याद कर ली, ये पूरी टेबल आपको समझ में आ जाएगी, ये पूरी टेबल आपको समझ में आ जाएगी। हाँ, डरा है इसलिए ताकि सिंसियर हो जाओ अभिषेक। ठीक है, आपको केवल 3 वैल्यू याद करना, आप समझो आपको 3 वैल्यू याद हो गई है ना, इतना तो अपन कर सकते ना, 3 वैल्यू तो अपन याद रख सकते। अब ध्यान दो कि अगली वैल्यू कैसे आती है। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो अपने बैक साइड जो सबसे लास्ट का पेपर होता है ये टेबल फटाफट बना लेना। तो ट्रिग्नोमेट्री के कई क्वेश्चन इसी को पढ़ाते हैं, 2 नंबर में भी आते हैं, 3 नंबर में भी आते हैं। तो अगर एग्जाम में आंसर शीट मिलते ही पीछे टेबल पक्का बना लो। ठीक है, 3 वैल्यू आपको याद करनी,
अभी देखो कोस कैसे निकलता है, रेडियो सब सुनने के लिए कि साइन की वैल्यू पता है हमको, कोस की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना, सिंपल जो लास्ट वैल्यू है उसको फर्स्ट में ले लो, वहां पर साइन के लास्ट में क्या था, वन, वो कोस के स्टार्टिंग में आ गया, ठीक है। इसका इसका लास्ट वैल्यू कौन सा है, रूट थ्री बाई टू, वो इसके सेकेंड नंबर पे आ गया, बीच वाला वैल्यू वहीं पर है, ये वाला चला गया यहाँ पर और ये वाला चला गया लास्ट में। देखते आपने क्या किया, वो आपको हमने एपी में सिखाया था, अगर आपको लास्ट टर्म से पूछे हम क्या करते हैं, उसको पलटी मारते थे, तो आपने क्या किया, साइन की जितनी वैल्यूज थी हमने कॉस के लिए क्या किया, उसको पलटी मार दिया। ये सबको समझ में आया, जहां पर जीरो की पोजीशन है उसको लास्ट भेज दिया, जो वन की पोजीशन है उसको सबसे आगे ले आया, हमने क्या किया उसको सब रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, आप ध्यान से देख सकते हो आराम से, ये टेबल को याद रखने का तरीका है, क्लियर। हमने इसको तो वन क्या है, फर्स्ट में आ गया, फिर से समझाने की जरूरत तो नहीं है ना। साइन अगर आपको पता है, खासकर ये तीन वैल्यू आपको पता है, कौन सी वाली, 30 वाली, 45 वाली और 60 वाली, तो आपको क्या करना है, इसको केवल पलटी मारना है तो आपका कॉस का वैल्यू आ जाता है। हाँ बता रहा हूँ, शांत रहो, धीरे धीरे से, ये क्लियर। अब उसका अगली वैल्यू आती है टेन थीटा, आपने साइन लिख लिया, आपने कॉस लिख लिया, अभी आपको हमने क्या बताया था कि भाई टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब आपको साइन की वैल्यू पता है और अब कॉस की वैल्यू, तो जीरो अपॉन वन क्या होता है, जीरो, वन बाई टू अपॉन रूट थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल, क्या बच गया, वन अपॉन रूट थ्री। अगली वैल्यू वन अपॉन रूट टू अपॉन वन अपॉन रूट टू, क्या बचेगा, वन। ऐसी रूट थ्री बाई टू, वन बाई टू, टू से टू कैंसिल, क्या बचा, रूट थ्री, और वन अपॉन जीरो उसको होता है नॉट डिफाइंड, इसको हम इन्फिनिटी भी कहते हैं। कोई डाउट क्वेश्चन, इसमें हमने टाइम कैसे निकाला, साइन थीटा की वैल्यू अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू, तुम्हारा वैल्यूज निकल जाएंगे। देखो आपको तीन टेबल याद हो गए, है ना, इसमें याद भी कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको केवल स्टार्टिंग के तीन वैल्यू याद रखनी है, साइन 30, साइन 45 और साइन 60। और उसमें कंफ्यूजन कभी हो तो याद रखना, 30 छोटा रहेगा, 45 उससे बड़ा होगा और 60 उससे बड़ा होगा। और मैक्सिमम कन्फ्यूजन कहाँ थी वो बता देता हूँ, साइन 30 और साइन 45 में आता है, या 1/2 होगा या 1/√2 होगा, तो निकाल के देख लो, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/√2 कितना होगा 0.65 आएगा, तो 0.5 छोटा है, इसका मतलब 30 पहले आएगा, तो मतलब वो भूलने का चांस ही है, बेसिक चीज याद रखोगे हर चीज क्लियर रहेगा। कोई डाउट क्वेश्चन इसमें, तो हमने साइन याद कर लिया, कॉस भी हमको समझ में आ गया, टेन भी हमको समझ में आ गया, आगे तो आपको पता ही है, आगे आपको पता ना क्या है, यस, अगर आपको साइन पता है, कॉस पता है और टेन पता है, बाकी सब तो एकदम निकल जाता है, क्योंकि आपका कॉस ही क्या होता है, आपका जो कॉसेक थीटा होता है वो क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन साइन थीटा। तो जो भी साइन की वैल्यू है उसको वन अपॉन कर दो, जैसे वन अपॉन जीरो तो इन नॉट डिफाइंड आ जाता है, ये वन अपॉन टू है तो वन अपॉन टू, तो टू चला गया ऊपर तो क्या बच गया, टू। ऐसी वन अपॉन रूट टू तो आपको कितना आ गया, रूट टू। ऐसी रूट थ्री अपॉन टू अपॉन, तो टू पर चला गया तो आ गया टू अपॉन रूट थ्री। वापिस कॉस सेक का उल्टा होता है और टेन आपका कोट का उल्टा होता है, क्लियर है। एक मिनट,
नेट का समस्या था ना, तो लोग आए थे ठीक करने के लिए. 0 7 2 7 6 ये डीगी का वाईफाई का नंबर है, तो जिसको नोट करना नोट कर सकता है. वन सेकेंड जस्ट. ओके यस. अभी कोई डाउट? इस टेबल को याद रखने में आपको निकालना भी दिखाता हूँ कि टेबल निकालते कैसे. डिगी का वाईफाई का नंबर है, ठीक है? तो टेबल एग्जाम स्टार्ट होते ही इसको पहले लिख लेना, आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये निकालते कैसे. केवल जो साइन की वैल्यू होती है हमको वही याद रखनी होती है. जैसे साइन जीरो कितना होता है? जीरो. तो साइन जीरो डिग्री जीरो, साइन थर्टी डिग्री. हम थीटा यूज नहीं करते, हम लोग एंगल यूज करते हैं. तो साइन थर्टी इक्वल टू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1. आप इसको निकालते कैसे एक तरीका बताता हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको लिखना है 0 1 2 3 और 4, ठीक है? ये पांच वैल्यूज है, 0 30 45 60 90. हमने इनके सामने क्या लिखा? 0 1 2 3 4. अब क्या करो, इन सब को 4 से डिवाइड कर दो. 4 से डिवाइड कर दिया और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो. हमको 4 से डिवाइड करना है और इसके ऊपर क्या करना है? स्क्वायर रूट लगाना है. देखो ये तो 0 होता है, 0/4 क्या है? 0. तो कितना रहेगा? 0. 1/4 रूट में है तो क्या बाहर आएगा? 1/2. √2/4 इसको कैंसिल किया तो 1/2 बाहर क्या आएगा? 1/√2. ये बेटा याद करने का एक तरीका है. √3/√4 तो √3/2 और ये 4/4 दोनों कैंसिल हो गए, क्या बचा? 1. तो कभी हाँ कभी आप भूल भी जाओ कि आपको टेबल नहीं याद रहा, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है साइन की वैल्यू निकालना. साइन जीरो हमको पता है 0, साइन 90 हमको पता है 1, बची तीन वैल्यूज साइन 30 साइन 45 साइन 60. मान लो भूल भी गए तो ये तरीका याद रखने निकालने का, 0 1 2 3 4 5 5, 0 से लेके 4 तक, उसको डिवाइड करना है 4 तक और उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाना है. तो आपकी साइन की सब वैल्यू निकल जाएंगी. जब साइन की वैल्यू निकल जाएगी उससे आप कॉस बाकी सब वैल्यू आराम से लगा सकते हो. कोई डाउट कोई शक? साइन आ गया, कॉस भी पता है, टेन निकल जाएगा, सेक कोसेक भी निकल जाएगा, कोट भी निकल जाएगा. अच्छा लग रहा है? समझ के कंसेप्ट क्या है? ये टेबल आराम से याद कर लो. अब आपको टेबल मुश्किल नहीं दिखेगी कि 36 नंबर आपको कैसे याद करने. आपको 36 भी नहीं, एक भी याद नहीं करना अगर आपको 0 1 2 3 4 पता है. अब इसी के बेस पे हमारा डे 3 है. बहुत इजी दो ही क्वेश्चन है. आपको क्या करना है? हर जगह केवल वैल्यू पुट करनी है. साइन 60 × cos 30 प्लस cos 60 × sin 30. आपको टेबल देखना है और ये वैल्यू पुट करनी है और जस्ट आपको आंसर निकालना है. हो जाएगा? सब कर पाओगे? क्योंकि आज आगे एक आधा समझाने के लिए टाइम कम है. आप लोग ट्राई करोगे मुझे उम्मीद है. आपका डे 1 में, डे 3 में फर्स्ट क्वेश्चन में तकरीबन 8 पार्ट है और उसी तरह
क्वेश्चन नंबर टू में भी कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, वन कर लो, सेकंड थोड़ा समझाना पड़ेगा, तो आज के केवल होमवर्क डे वन में, ठीक है। दूसरा बात, मैंने होमवर्क चेक किया है कि कितने लोगों ने सबमिट किया और कितने लोगों ने सबमिट नहीं किया, ठीक है। अभी भी आप लोगों का होमवर्क चेक करता हूँ तो अमृत अंजलि 35 बच्चों ने सबमिट किया है और तकरीबन अभी तक 27 ने सबमिट नहीं किया। मैं 2-3 दिन ऑब्जर्व करूंगा, अगर ये अकाउंट 100% नहीं हुआ, मैं अगले मंडे से होमवर्क नहीं किया होगा, उसको क्लास में एंटर नहीं करने दूंगा, याद रखना। ये जितने लोग ग्रुप में हैं 60 जो भी हैं, ये सबका मुझे होमवर्क अपलोड होना चाहिए यहाँ पर। कल फर्स्ट डे था, माफ़ किया, कल भी माफ़ करूँगा, परसों ही माफ़ करूँगा, अगले मंडे माफ़ नहीं करूँगा। जितने लोग हैं सबका होमवर्क होना ही होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री सीरियसली करोगे, नंबर पक्का आएंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और हर चैप्टर स्कोरिंग है। मेरी बात सबको क्लियर है नहीं? मुझे होमवर्क सबका चाहिए, सबका मतलब सबका। तो आपका आज का होमवर्क क्या है? डे थ्री का फर्स्ट क्वेश्चन की जो 8 पार्ट है, तो जिसने कल वाला सबमिट नहीं किया, आज रात तक सबमिट कर दो और डे थ्री भी कंप्लीट होना चाहिए। अगले मंडे बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, उसको क्लास से मैं बैन करूंगा, तो उतना ही पढ़ाऊंगा जिसका होमवर्क यहाँ रहेगा। अब पेरेंट्स को मैं फोन कर दूंगा कि भैया होमवर्क तो करता नहीं, क्लास अटेंड करके फायदा थोड़ी है। क्लियर सबको डाउट? ओके, अभी जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं, और जिसको कुछ एक्स्ट्रा पूछना है, आज का होमवर्क बताने मैंने डे थ्री फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी आपके 8 पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क। तो कल की तरह जो कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानना चाहे